स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. ओके, तो यू कैन सी दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाज ऑफ दिस सॉर्ट एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑल्सो बी ऑफ दिस टाइप. सो if in the equation phi dd dash z is equal to f of xy, now here how you will determine, आपको कैसे पता चलेगा कि जो phi dd dash है इसको देख के आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नॉन होमोजीनियस को. तो इसके लिए आपको देखना है कि d और d डैश में जो आपकी जो डिग्री जो टर्म्स आ रहे हैं उन सब की डिग्री सेम नहीं होगी. जब उन सब की डिग्री उन सारे टर्म्स की डिग्री सेम ना हो, यानी हर टर्म की डिग्री दो ना हो, ये दो या तीन जो भी है सेम ना हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी होमोजीनियस नहीं है. जैसे अब ये देखिए, अब इस केस में डी की डिग्री दो है, डी और डी डैश दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इसकी एक डिग्री है, इसकी भी एक है, तो वन प्लस वन, इस टर्म की डिग्री दो हो गई और इसकी भी दो है, तो इसे कहेंगे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस कहलाते हैं, जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है. लेकिन नॉन होमोजीनियस कब कहलाएगी, जब जैसे ये डी स्क्वायर लिखा है मान लेता हूँ, प्लस डी डैश लिखा है, प्लस डी लिखा है, प्लस वन. देखिए अब देखिए इसमें क्या है, इस टर्म की डिग्री दो है, इस टर्म की वन है, इसकी वन है, इस यहाँ पर डिग्री डी की पावर के फॉर्म में जीरो कहा जाएगा, क्योंकि ना तो डी है ना तो डी डैश है, इसलिए डिग्री जीरो है. तो आप देख लीजिए यहाँ पे हर टर्म की डिग्री अलग अलग आ रही है, तो होमोजीनियस होने के लिए ज़रूरी है कि हर टर्म की डिग्री सेम हो. और नॉन होमोजीनियस को आप ऐसे ही पहचान लेंगे अगर कहीं पर भी डिग्री सेम नहीं है, एक भी टर्म की डिग्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन होमोजीनियस हो गई. ठीक है, अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका अलग है. इसमें भी बाकी प्रोसीजर वही है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने के लिए आप जेड इक्वल टू सी ए प्लस पी आई लिखेंगे. ओके, तो देखते हैं मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट सी एफ. ठीक है, अब इसमें सी एफ कैसे निकलेगा और पी आई कैसे निकलेगा, हम उसके मेथड्स को देख लेते हैं. तो सबसे पहले सी एफ के मेथड्स की बात करते हैं. यहाँ पे क्या है कि फाइव डी डी डैश जो है वो आपका उसको आपको लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है, आपको लीनियर फैक्टर्स उसके बनाने हैं. तो जो लीनियर फैक्टर्स आपके बनेंगे, लीनियर फैक्टर का मतलब जिसमें डी और डी डैश दोनों की डिग्री वन ही आएगी, या तो डी की भी और साथ ही साथ डी डैश की भी जो पावर होगी वो वन ही होगी उसमें. तो ऐसे जब फैक्टर में आप फैक्टराइज करेंगे इस पॉलिनोमियल को फाइव डी डी डैश को, तो जो ये जो फैक्टर बनेंगे इनके बिहाफ पे हम सी एफ लिखते हैं. चलिए अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें जो फाइव डी डी डैश लिखा मान लेते हैं वो इस फॉर्म में आ गए, इसी फॉर्म में लिखना होता है डी माइनस एम डी डैश माइनस ए. यहाँ पे देखिए हमने इस तरह लिख के दिखाया डी माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन डी माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू. ठीक है, तो इसका जो करस्पॉन्डिंग सी एफ लिखा जाएगा, दो टर्म आए हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेता हूँ दो टर्म आ रहे हैं मेरे पास, तो हर एक टर्म का अलग अलग लिखते हैं. तो जैसे पहले टर्म की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या चलेगा, ई की पावर ए वन एक्स, मतलब ये जो यहाँ पे देखिएगा जो कांस्टेंट नंबर आएगा वन है टू है, ए वन कांस्टेंट है, वन प्लस वन प्लस टू या माइनस वन माइनस टू कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो जो ए वन आएगा वो अगर यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो ई की पावर में वो चीज़ प्लस में जाएगी, अगर यहाँ प्लस में आ रहा है तो ठीक अपोजिट साइन ले लेना, अगर प्लस टू लिखा है तो यहाँ माइनस टू हो जाएगा, यहाँ माइनस थ्री लिखा है तो यहाँ प्लस थ्री हो जाएगा. ठीक है, तो ई की पावर ए वन एक्स इंटू एफ वन फंक्शन बनेगा एफ वन ऑफ ब्रैकेट में वाई प्लस, अब यहाँ पे आपका जो डी डैश के साथ में कोफिशियंट होगा वो एक्स के साथ जाएगा एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एक्स. देख लीजिए तो डी डैश के साथ में क्या लिखा है, माइनस एम वन लिखा है, इसका भी अपोजिट साइन ले लीजिए आप और m1 वैल्यू उठा लीजिए, यानी कि अगर लिखा है d माइनस टू डी डैश तो माइनस का 2 है वहां पे, तो यहां पे प्लस 2 जाएगा, तो f1 y प्लस 2x हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही ऐसे दूसरा भी हो जाएगा, यहां माइनस a2 था तो e की पावर में प्लस a2x चला गया, a2x x रहेगा ही मल्टीप्लाई में इंटू f2 फंक्शन दूसरा बना y प्लस m2x, देख लीजिए यहां माइनस m2 है तो इसमें प्लस चला गया. ठीक है, तो ऐसे इसका सी एफ जाएगा. जैसे एक एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ रहा है डी प्लस टू डी डैश मान लेता हूँ प्लस थ्री मान लेता हूँ, ये इस तरह से आया, तो इसके लिए जो सी एफ आप लिखेंगे ये क्या हो जाएगा,
ई की पावर, यहाँ पे क्या आ रहा है कांस्टेंट प्लस थ्री है तो ई की पावर में माइनस में जाएगा, ई की पावर माइनस थ्री एक्स। एफ वन वाई प्लस और एक्स के साथ एम वन आता है, एम वन डिपेंड करेगा डी डैश का कोफिशन क्या है, जो क्या है यहाँ पे डी डैश के साथ में प्लस टू तो यहाँ पे जाएगा माइनस टू, यानी कि ये बनेगा वाई माइनस टू एक्स। ठीक है, मतलब प्लस थ्री आएगा यहाँ पे कांस्टेंट जो भी आ रहा है, अगर प्लस में आएगा तो यहाँ पावर माइनस में जाएगी, अगर यहाँ माइनस में आएगा तो फिर यहाँ प्लस में जाएगा, और डी डैस के साथ भी जो कोफिशेंट आ रहा है अगर प्लस टू है तो एक्स के साथ में माइनस टू जाएगा, अंदर वाई प्लस एम एक्स या वाई माइनस एम एक्स बनेगा, और अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर अंदर प्लस बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, रिपीटेड फैक्टर्स आ सकते हैं, तो देख लेते हैं जरा रिपीटेड फैक्टर के केस में आपको कैसे करना है। देखिए दिया है इफ़ रिपीटेड फैक्टर्स अकर, अगर फैक्टर रिपीट करते हैं, जैसे मान लेता हूँ डी माइनस एम डी डैश माइनस ए का होल क्यूब आ गया, स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है, इस तरह से, तो आप क्या लिखेंगे सी एफ, सी एफ हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स। अब देखिए एम तो सेम ही रहेगा, एम चूंकि यहाँ एम है और ये ए है तो ये एम और ए सेम रहेंगे हर बार, ई की पावर, अब यहाँ माइनस ए था तो प्लस ए, ऑब्वियसली प्लस ए जाएगा एक्स में पावर में, ई के पावर में, एफ वन वाई प्लस एम एक्स हो गया। ठीक है, प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स हो गया, देख लीजिए एक्स इंटू, अब रिपीटिशन हुआ है रूट्स का, तो जैसे पहले करते थे अगर रूट्स रिपीट होते थे तो एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, देखिए वैसे ही किया है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, और तीसरी बार एक बार और हुआ है, तीन बार रिपीटिशन है रूट का, तो फिर अगली बार एक्स के साथ में अगली बार एक और एक्स आएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर ए एक्स एफ थ्री वाई प्लस एम एक्स, बाकी सब वही रहेगा, यहाँ पे पावर में ए और प्लस का एम जो है, ये माइनस एम था इसलिए अंदर प्लस एम चलेगा, यहाँ माइनस ए था तो ई की पावर में हर जगह प्लस ए चलेगा। तो दिस इज हाउ की रिपीटेड फैक्टर, अगर तीन बार हुआ तो इस तरह का, चार बार होता तो अगले टर्म में एक्स क्यूब ई की पावर ए एक्स एफ फोर वाई प्लस एम एक्स हो जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए होल स्क्वायर ही होता तो केवल दो टर्म आते, पहला दूसरा तीसरा नहीं आता, एक्स ई की पावर ए एक्स एफ टू वाई प्लस एम एक्स तक ही आता अगर होल स्क्वायर होता यहाँ पे। ठीक है, तो ये था रिपीटिशन का केस। अब मान लीजिए अगर हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप में बने, अभी तक जो बन रही थी वो आपकी बन रही थी डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में, अब मान लेते हैं डी के साथ में भी कोई टर्म आ जाए, जैसे डी का भी कोफिशेंट, अभी तक डी का कोफिशेंट वन था हर जगह, हम लिख रहे थे डी माइनस एम वन डी डैश माइनस ए वन, ऐसे डी माइनस एम टू डी डैश माइनस ए टू, तो अब हो सकता है कि अल्फा डी के साथ भी कोई कोफिशेंट आ जाए, मान लेता हूँ डी के साथ अल्फा आ गया, डी डैश के साथ तो कुछ आ ही रहा है, कांस्टेंट आ ही रहा था पहले भी, डी डैश साथ कोफिशेंट था पहले भी, अगर डी के साथ कुछ है कोफिशेंट तो इस केस में आप जो इसका सी एफ लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखिएगा ई टू दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स, तो जैसे कि यहाँ पे हम ए लिख लेते थे, अब देखिए अगर आप मैं इसको कोरिलेट करके बता सकता हूँ, इसको देखिएगा जरा कोरिलेट हम कर रहे हैं इसको, जैसे यहाँ ए था, अगर मान लीजिए डी का क्वेश्चन वन है, अगर मान लीजिए यहाँ डी का क्वेश्चन वन बनाना है तो आप क्या करेंगे, अल्फा से इसको डिवाइड कर देंगे, पूरी क्वेश्चन को अल्फा से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा गामा अपॉन अल्फा बनेगा, तो गामा अपॉन अल्फा बनेगा, तो ठीक है ये देखिए ई की पावर में जो कॉन्स्टेंट है गामा अपॉन अल्फा, तो माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स हो गया, यहाँ प्लस आ रहा था तो माइनस में आ गया रिजल्ट, वैसे ही अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, रिजल्ट वही है ई टू द पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स। ठीक है, और फाई अब अंदर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे भी देखिए डी डैश के साथ में बीटा है, तो या तो बीटा अपॉन अल्फा लिख सकते थे हम, अब या तो अगर हम बीटा अपॉन अल्फा नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे भाई, आपका क्या था, वैसे हम जनरली लिखते हैं वाई प्लस एम एक्स के फॉर्म में, या वाई माइनस एम एक्स आ सकता था, अगर डी डैश के साथ में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस का बीटा आएगा, देखिए माइनस बीटा एक्स लिख लिया, वाई लिख लिया, अब चूंकि डी के साथ में अल्फा था तो वाई को फिर हमने अल्फा से मल्टीप्लाई करके लिखा, क्योंकि डी यहाँ पे डी वन होता था तो वाई प्लस एम एक्स चल जाता था, वाई का कोफिशेंट डी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, डी का कोफिशेंट वन था तो वाई का कोफिशेंट यहाँ वन दिख रहा था, मैं मतलब ये याद करने के लिए बता रहा हूँ आप कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। दिस फार्मूला इज़ नॉट एप्लीकेबल वेन फर्स्ट टर्म इज एबसेंट, दैट इज डी और अल्फा डी, तो ये फार्मूला तब अप्लाई नहीं कर सकते आप, जैसे मान लीजिए ये पहला टर्म हटा दिया जाए, अल्फा डी हटा दिया जाए या डी हटा दिया जाए, तब ये पूरा फार्मूला नहीं लगेगा, तो उस केस में कैसे लिखेंगे आप, उस केस में देखिए करस्पॉन्ड मैंने रिमार्क में बताया है, करस्पॉन्डिंग टू नॉन रिपीटेड फैक्टर, मान लीजिए डी नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए डी नहीं आ रहा है तो अंदर क्या बचा, मान लीजिए ए डी डैश प्लस बी इतना ही बचा। ठीक है, दोनों प्लस में आ रहे हैं, ए भी प्लस का है बी भी प्लस का है, तो जो आपका सी एफ लिखेंगे आप वो क्या लिखेंगे ई की पावर, तो ई की पावर में जो आता है वो बी पे डिपेंड करता है कांस्टेंट पे,
तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, माइनस बी अपॉन ए वाई। अभी तक हम एक्स लगा रहे थे, अब चूंकि डी आ ही नहीं रहा है तो एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वाई की बात करने लगे। ई की पावर माइनस बी वाई अपॉन ए। अच्छा, बी अपॉन ए चूंकि डी डैश का कोएफिशिएंट अगर ए है, ए से डिवाइड करेंगे तो बी अपॉन ए बनेगा। तो आपको ऐसे इस फॉर्मूले क्या रखना है, ई टू एस टू दी पावर माइनस बी वाई अपॉन ए। और फाई ब्रैकेट में क्या बचेगा, फाई ब्रैकेट में ए एक्स, फाई ब्रैकेट में ए एक्स। अब आप देखिए, अगर आपने पहले वाले केस में देखा हो तो वहाँ पे डी के लिए वाई एक तरह से आ रहा है, डी के लिए वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, डी का क्वेश्चन वन तो वाई का क्वेश्चन वन। अब डी ही नहीं तो वाई खत्म, एम एक्स ही तो बचेगा अंदर। एम क्या था, डी डैश का क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए, डी डैश के साथ क्वेश्चन क्या है, ए, तो इसलिए फाई वाई खत्म हो गया, वाई प्लस एम एक्स में वाई खत्म हो गया और एम की जगह ए है तो ए एक्स बचा, फाई ए। फाई लिख सकते हैं, एफ वन एफ टू भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एफ वन ए एक्स भी लिख सकते थे। तो कुल मिलाकर डी नहीं है तो इसलिए अंदर वाई नहीं लिखा गया, और जो e की पावर में भी लिखा है वो हमने माइनस बी अपॉन ए वाई लिखा है, क्योंकि d है नहीं तो x नहीं लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। अगर इसी का मान लीजिए होल क्यूब आ जाए या स्क्वायर आ जाए ए डी डैश प्लस बी का, तो उस केस में क्या करेंगे, पावर बाहर तो वही रहेगा, e की पावर माइनस बी अपॉन ए वाई, d है नहीं तो आपका x आना नहीं है, तो माइनस बी अपॉन ए वाई हो गया। और कितनी बार रिपीटेशन, तीन बार, तो ठीक है, फाइव वन ए एक्स। अब देखिएगा, यहाँ d तो है नहीं, d डैश है, तो रिपीटेशन जो भी हो रहा है वो y के लिए मान के चलेंगे, d डैश के लिए हो रहा है तो y बार बार आएगा मल्टीप्लाई में। अभी तक x आ रहा था रिपीटेशन में, तो फाइव वन ए एक्स प्लस वाई इंटू फाइव टू ए एक्स हो गया। ठीक है, फिर प्लस तीन बार हुआ है तो एक बार और हुआ है, तो फिर से एक और बार y आएगा, वाई स्क्वायर फाइव थ्री ए एक्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ, अगर दो बार होता होल स्क्वायर ही आता तो ये लास्ट टर्म आप इसका हटा देते, केवल इतना ही आंसर हो जाता, लेकिन तीन बार आया है तो आपका वाई स्क्वायर फाइव थ्री ए एक्स तक चला गया। ठीक है, अच्छा ये मैं पहले ही बता चुका था कि अगर अगर केवल डी या केवल डी डैश रिपीट होता है तो होमोजीनियस में जैसे चलता था वैसे यहाँ भी चलेगा। तो जैसे केवल डी डैश अगर रिपीट हुआ तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या हो जाता है, फाइव वन एक्स लिखना है, अगर डी डैश आया। अगर डी डैश का होल स्क्वायर आ जाता तो फाइव वन एक्स प्लस वाई इंटू फाइव टू एक्स हो जाता। अगर डी डैश का होल क्यूब, जैसे कि हमने लिखा एग्जाम्पल में होल क्यूब आ गया, तो आप पूरे में कॉमन आ जाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने से पहले पूरे में कॉमन आ जाए, तो फाइव वन एक्स प्लस वाई फाइव टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर फाइव थ्री एक्स, तीन बार है तो तीन बार यहाँ तक आ रहा है। अगर दो होता तो ये फाइव थ्री एक्स वाला टर्म लास्ट वाला हट जाता, फाइव वन एक्स प्लस वाई फाइव टू एक्स आता। तो जब डी डैश का रिपीटिशन होगा तो आपको याद रखना है ये इस तरह चलेगा। मान लीजिए अगर डी रिपीट कर रहा होता, डी केवल पूरे में डी कॉमन होता या पूरे में डी स्क्वायर कॉमन होता, तो चेंज क्या आता, यहाँ पे सी एफ जो लिखा है फाइव वन एक्स, यहाँ पे हो जाता आपका फाइव वन वाई। एक्स के लिए जब आप लिख रहे डी के लिए लिखते हैं तो फाइव वन वाई, और डी स्क्वायर के लिए लिखते हैं फाइव वन वाई प्लस एक्स फाइव टू वाई। ठीक है, ऐसे ही आप लिखते हैं, मैंने पीछे बताया है आपको होमोजीनियस के केस में, जहाँ तक मुझे याद है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, देख लेते हैं ज़रा इसको कहाँ पे बताया था मैंने आपको, ये देखिए शायद यहाँ बताया रिमार्क में और पीछे ये रहा, ये देखिए रिमार्क थ्री बताया था मैंने कि इफ़ डी कम्स कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड देन पार्ट ऑफ सी एफ क्या होता है, एफ वन वाई लेना है, और इफ़ डी स्क्वायर कम्स कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड बिफोर राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर अगर कॉमन आता है तो आप क्या लिखेंगे, सी एफ एफ वन वाई प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई। ठीक है, तो ये वही है रूल, वही से ही चलेगा। और डी डैश का भी देखिए यहाँ पे बताया था हमने, ये डी डैश के लिए बताया था, ये देखिए डी डैश का, डी डैश आएगा तो सी एफ फाइव वन एक्स, और डी डैश का स्क्वायर आएगा तो फाइव वन एक्स प्लस वाई फाइव टू एक्स, यही चलता है। तो ये याद रखिएगा, ये वैसे ही है जैसे वहाँ पे पढ़ा था आपने होमोजीनियस के केस में, वैसे ही यहाँ भी चलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक केस और बन सकता है, अगर जो फाइव डी डैश है अगर उसके लीनियर फैक्टर ना हो पाए, डी माइनस एम डी डैश माइनस ए के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आप लीनियरली उसको फैक्टराइज ना कर पाए, तो उस केस में सी एफ कैसे निकलता है, तो ये हम लोग एक एग्जाम्पल से बाद में समझेंगे, पहले अभी जो फॉर्मूले देखे इनको हम जरा समझ लेते हैं, इनका सी एफ कैसे निकलेगा। ठीक है, ये देखिए पहली प्रॉब्लम आपकी, जैसे लिखा है सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी प्लस डी डैश माइनस वन डी प्लस टू डी डैश माइनस टू इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ माइनस वन आ रहा है तो ई की पावर में प्लस वन जाएगा, तो ई की पावर प्लस वन इंटू एक्स,
ठीक। फिर डी डैश के साथ में प्लस वन है, तो यहाँ पे अंदर एक्स के साथ एम एक्स जो लिखते हैं, एम की वैल्यू इसकी अपोजिट लेनी है, प्लस वन है तो वो माइनस हो जाएगी। तो वाई प्लस एम एक्स में आप क्या लिखेंगे, वाई माइनस वन एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस वन है डी डैश का कोफिशियंट, तो यहाँ माइनस वन एक्स जाएगा। देखिए दूसरे फैक्टर को देख लेते हैं, प्लस ई की पावर, अब यहाँ माइनस टू कॉन्स्टेंट आ रहा है तो ई की पावर प्लस टू जाएगा, प्लस टू एक्स, ठीक है। और एफ टू वाई, अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस टू जा रहा है तो फिर x के साथ माइनस टू जाएगा, तो y माइनस टू एक्स। अच्छा राइट साइड जीरो है इस क्वेश्चन में, तो आपका पी आई क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या बना, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, ये हो गया आपका। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देख लीजिए, सॉल्व डी डी डैश डी प्लस टू डी डैश प्लस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें देखिए इस पूरी क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाल के रख दिया है, डी भी एक कॉमन, एक डी डैश भी कॉमन है, तो आपको पता है कि अगर डी कॉमन आता है तो पार्ट ऑफ सी एफ क्या लिखते हैं, एफ वन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई लिखते हैं। अगर डी डैश कॉमन आएगा तो डी डैश के लिए क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ सी एफ में क्या लगाना है आपको, एफ टू एक्स। डी के लिए एफ वन के अंदर वाई गया, डी डैश के लिए एफ टू के अंदर एक्स आया, ठीक है, करिस्पॉन्डिंग टू फैक्टर। और ये जो एक बचा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस वन के लिए ई की पावर में माइनस वन एक्स जाएगा, यहाँ प्लस टू है तो वाई के साथ एम, जो एक्स के साथ एम आ रहा है वो माइनस टू जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स एफ थ्री वाई माइनस टू एक्स, प्लस टू है तो माइनस टू हुआ, प्लस वन था तो ई की पावर में माइनस वन गया, बस हो गया। इन तीनों को कंबाइन करके लिख लीजिए, आपका कंप्लीट सी एफ हो गया। राइट साइड जीरो था तो पी आई जीरो होगा, और इसलिए कंप्लीट सोल्यूशन जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से आपका आंसर ये आ गया, जो सी एफ आया था वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर z इक्वल टू, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब देख लीजिए इसी में, जैसे एक और प्रॉब्लम ये है, r माइनस टी प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो r की वैल्यू क्या होती है, मैंने सबकी वैल्यूज रख दी, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस डेल जेड ओवर डेल वाई। ये मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है ताकि जिन लोगों को अभी भी r t p q में प्रॉब्लम हो तो वो देख लें कैसे कैसे उनकी वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। उसके बाद इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, मतलब डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल डी की वैल्यू होती है डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। तो एक बार x के लिए डिफरेंशिएशन को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो बार होना है तो डी स्क्वायर कैपिटल डी का स्क्वायर z, z अलग से लिखा गया। ऐसे डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हमने लिखा डी डैश स्क्वायर ऑफ z, ऐसे डेल z बाई डेल एक्स को आप डी ऑफ z, एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू है तो कैपिटल डी ऑफ z, एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y है तो कैपिटल डी ऑफ डी डैश ऑफ z। अब z को पूरे में कॉमन निकाल दिया, तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसके बाद सीधे ये क्वेश्चन लिखिए, आपको पता है तो आप डायरेक्ट ये लिख लीजिए। अब आप देखिए, अच्छा नॉन होमोजीनियस ही आप पहचान लीजिए, ये डिग्री दो है इस टर्म की, इस टर्म की डिग्री दो है, इस टर्म की वन है, इसकी फिर वन है, तो या तो पूरे की दो होनी चाहिए थी या पूरे की वन होनी चाहिए थी, तब वो होमोजीनियस होती, लेकिन यहाँ पे दो टर्म की डिग्री दो है, दो टर्म की वन है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन फिर से वही करना है, देखिए अब यहाँ पे इसको लीनियर फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे, पिछले क्वेश्चन में फैक्टर दिए गए थे, अब की बार आपको नहीं दिया है। आप देखिए क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले दो टर्म्स में लग सकता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने लगा दिया, तो ये पहले दो टर्म्स में लगाया हमने इतने में, ठीक है। तो क्या बना, d माइनस डी डैश और d प्लस डी डैश, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ये ऐसे लिखा रहने दिया d माइनस डी डैश। अब आप देखिए ये पूरा एक टर्म है और ये प्लस के बाद ये एक टर्म है, यहाँ d माइनस डी डैश है, यहाँ भी d माइनस डी डैश है, पूरा कॉमन ले लिया, टेकिंग d माइनस डी डैश कॉमन, तो पूरे में कॉमन लेने के बाद अब क्या बचा, यहाँ बचा d प्लस डी डैश और प्लस, ये तो पूरा पूरा चला गया, डिवाइड कर दीजिए तो वन आ जाएगा, इसको जिस चीज़ को कॉमन लेते हैं उससे अंदर वाले टर्म को डिवाइड करते चले जाते हैं, तो क्या बचा देखिए, इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा वन, ठीक है, तो इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब ये थे दो फैक्टर आपके आ गए, डी प्लस डी डैश प्लस वन और डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो अब आप देखिए दोनों के रिगार्डिंग, अब यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट टर्म आ रहा है, जीरो है ना, कुछ नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म, मैंने जानबूझ के उसको लिख के दिखा दिया, डी है डी डैश है लेकिन कॉन्स्टेंट कुछ नहीं है, वन टू थ्री कुछ नहीं था, मैंने उसको माइनस जीरो लिखा। अब उसको कैसे लिखेंगे, तो सी एफ लिखा हमने इस फैक्टर के लिए, रियल पार्ट जीरो है तो ई की पावर जीरो एक्स, प्लस जीरो माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो जीरो ही रहेगा, और ई की पावर जीरो एक्स यानी ई की पावर जीरो बनेगा, और किसी भी चीज़ की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है, वन, तो ई की पावर जीरो ये अल्टीमेटली वैल्यू वन हो जाएगी। एफ वन वाई, अच्छा डी डैश का कोफिशियंट क्या है, माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई और माइनस का उल्टा प्लस वन, तो प्लस है प्लस वन एक्स, ठीक है। प्लस इस वाले टर्म के लिए लिखेंगे तो प्लस वन है, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। एफ टू वाई, यहाँ भी प्लस वन है तो फिर माइनस एक्स जाएगा, तो वाई माइनस वन एक्स, माइनस वन इंटू एक्स, दैट इज वाई माइनस एक्स। ऐसे ही पी आई जीरो है इस केस में, चूंकि राइट साइड फिर से इस क्वेश्चन में जीरो था, देख लीजिए तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या बन गया, सी एफ प्लस पी आई से आप दोनों को जोड़ दीजिए, आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ये देखिए आया आपका एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व,
डी प्लस फोर डी डैश प्लस फाइव का होल स्क्वायर। देखिए रिपीटेड रूट आया, रिपीटेड रूट का केस लिया मैंने, डी प्लस फोर डी डैश प्लस फाइव का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए प्लस फाइव है तो ई की पावर में क्या जाएगा माइनस फाइव एक्स। एफ वन यहाँ डी डैश के साथ में प्लस फोर है तो एक्स के साथ एम एक्स में एम की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी। तो वाई प्लस एम एक्स लिखते हैं, एफ वन वाई प्लस एम एक्स तो वाई माइनस फोर एक्स। ठीक है प्लस फोर की जगह माइनस फोर एक्स। अब तो बाकी चीज़ सेम रहेगी क्योंकि रिपीटिशन है, तो ये चीज़ यही रहेगी, बस अंतर क्या आएगा अगले टर्म को लिखते समय हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, एक्स ई की बात फिर से माइनस फाइव एक्स, वही चीज़ पूरे वही एफ टू, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा एफ वन के बाद एफ टू आ जाएगा वाई माइनस फोर एक्स। पी आई फिर जीरो क्योंकि राइट साइड जीरो है, तो जेड इक्वल टू सी ए प्लस पी आई से कंप्लीट सोल्यूशन आपका आ गया। ठीक है अच्छा मान लीजिए इस तरह से लिखा होता डी प्लस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे डी डैश का टर्म जीरो है, यहाँ d है और कांस्टेंट टर्म 1 है, d डैश नहीं है। ठीक है तो अब देखिए क्या चेंज आएगा इस फैक्टर में, तो d प्लस 1 के लिए आप क्या लिखोगे e की पावर बाई कांस्टेंट है प्लस 1 प्लस 2 है तो e की पावर में प्लस 1 है तो माइनस 1 जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है f1 अब अंदर क्या लिखते थे d का जो कोफिशेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल है y के लिए, तो y तो वैसे ही रहेगा, d डैश जीरो हो गया तो d डैश नहीं है, तो यानी m जीरो हो गया, d डैश नहीं है इसमें, यानी उसके m m की वैल्यू d डैश के कोफिशेंट पर डिपेंड करती है। तो y प्लस एम एक्स में जो m आता है वो d डैश के कोफिशेंट होता है, d डैश है ही नहीं, d डैश का कोफिशेंट जीरो है, तो m इंटू एक्स में m को जीरो करोगे y प्लस एम एक्स में तो केवल y ही बचेगा, तो हमारा आ गया e की पावर माइनस एक्स एफ वन वाई प्लस, ये आप लिख सकते हैं माइनस वन है तो प्लस वन जाएगा e की पावर में e की पावर प्लस x, और f2 d डैश का कोफिशेंट प्लस वन है तो x के साथ अंदर कोफिशेंट माइनस वन बनेगा, m m की वैल्यू माइनस वन बनेगी, तो y प्लस एम एक्स में y माइनस वन इंटू एक्स, ये आपका सी एफ हो गया। पी आई जीरो था तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया z बराबर सी एफ प्लस पी आई से, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक है तो ये हमने इतना कवर कर लिया। अब एक और जो लास्ट बचा है कि अगर लास्ट केस कि अगर फाइव डी डी डैश को आप लीनियरली फैक्टराइज ना कर पाएं तब क्या होगा, तो देख लेते हैं इसको भी, ये नहीं छोड़ेंगे इसको, तो लास्ट एग्जांपल है इसका एक ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा है टू डी स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू जेड इक्वल टू जीरो। अब आप देख सकते हैं टू डी स्क्वायर माइनस डी डैश को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये लीनियरली इसके लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखिए हमने इसको जेड से पहले तो अंदर ले लिया जेड को, तो टू डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड इक्वल टू जीरो, ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर वन। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक ट्रायल सॉल्यूशन लेट करते हैं अपने मन से, हमने यहां लिखा है सिंस इट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स इन डी एंड डी डैश। तो हमने क्या किया ये देखिएगा, हमने माना एक लीनियर सॉल्यूशन, आपको मानना इसको याद कर लेना है, हम क्या सॉल्यूशन मानेंगे a इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये एक लीनियर सॉल्यूशन है, इसको हमें लेट कर लेना है। ठीक है इसको क्वेश्चन नंबर टू मान लिया, माना ये जो है ये ट्रायल सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो प्रॉब्लम हमें मिली उसको क्वेश्चन नंबर वन माना है। ठीक है तो अब उसमें अगर ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो ऑब्वियसली ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो वैल्यूज इक्वेशन में हमें चाहिए उनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या चाहिए देखिए, टू डी स्क्वायर ऑफ जेड, डी स्क्वायर ऑफ जेड निकालिए, यानी जेड को दो बार एक्स के लिए डिफरेंशिएट करिए और जेड को एक बार वाई के लिए, डी डैश का मतलब है वाई के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, और दोनों वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए और फिर देखिए क्या रिजल्ट, क्या रिलेशन निकलता है। ठीक है तो देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया डी स्क्वायर जेड निकाला, मतलब दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, डी का मतलब होता है एक्स के लिए। देखिए एक बार जब करेंगे आप एक्स के लिए डिफरेंशिएशन तो रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं, ऊपर जेड था तो जेड बराबर ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई गिवन है आपको। ठीक है तो अब जब आप इसको करेंगे, जैसे डी जेड निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है तो डेल जेड बाई डेल एक्स, तो एक्स के लिए करेंगे ए तो कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, और ई की पावर आप इसको ऊपर वाले को टी मानेंगे पावर को, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है डिफरेंशिएशन, पहले तो आप वही लिख लेंगे, और जब आप टी का करेंगे इस पावर का करेंगे इनटू, तो पावर में देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स का वन हो जाएगा क्या बचा एच, और प्लस वाई का जीरो हो जाएगा तो रिजल्ट जीरो, यानी केवल एक एच आ जाएगा अंदर से, तो ए इंटू एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये बन गया। अच्छा ये हुआ तब जब ये आया डी जेड, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, अगर इसी तरह एक बार और कर दिया जाए फिर से इसको करेंगे तो ए और एच कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, इसका फिर से होगा ई की पावर टी का ई की पावर टी ही रहेगा पहले तो, ठीक है, और टी को जब फिर करोगे तो फिर से क्या होगा एक एच आ जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और के का जीरो हो जाएगा रिजल्ट। ठीक तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ये आ गया देखिए डी स्क्वायर जेड की वैल्यू, तो देखिए यही लिखी हुई यहाँ पे डी स्क्वायर जेड ए एच स्क्वायर की पावर एच एक्स प्लस के वाई। ऐसे ही जब आप डी डैश जेड की वैल्यू निकालेंगे तो एक बार आप इसको वाई के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब वाई के लिए करेंगे तो आपका फिर से देख लीजिए, इसको वाई के लिए भी करके देख लेते हैं, तो डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू
तो ये आएगा डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल वाई ऑफ क्या जेड। तो वाई के लिए करो जेड को, जेड आपका क्या है ये है देखिए, तो ये फिर से आ जाएगा, ए कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई में, ई की पावर टी फिर से बनेगा ई की पावर टी, ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, ठीक है, इनटू ब्रैकेट वाई टी जिसको माना उसको वाई के लिए, किसके लिए करना है वाई के लिए, एक्स कांस्टेंट रहेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो एक्स का जीरो हो गया और वाई का वन हो जाएगा, तो क्या बचा के, तो एक के बाहर आ जाएगा, यानी ए के साथ ए भी कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी और के भी है, एच के ए एच के तीनों का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ए और के हो गया और ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए ये आ गया आपका ए इंटू के की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब ये दोनों वैल्यू उठा के इसी क्वेश्चन नंबर वन में जो हमारा गिवन प्रॉब्लम है उसमें हम रख देंगे। देखिए ये क्वेश्चन वन थी, टू डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड इक्वल टू जीरो, इसमें हम रख देंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो रखते हैं हमने टू डी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ये देखिए डी डैश डी स्क्वायर जेड ये पूरा रख दिया, ए एच स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस के वाई और माइनस डी डैश जेड में ए के ई की पावर एक्स प्लस के वाई रख दिया, कॉमन निकाल लीजिए क्या क्या कॉमन आ गया, ए आ गया ई की पावर एक्स प्लस के वाई आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा टू एच स्क्वायर और माइनस इसमें क्या बचा के इक्वल टू जीरो। अब चूंकि आपने इसको सोल्यूशन माना ए की पावर एक्स प्लस के वाई, अगर इस ये टर्म इन तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, अगर ए जीरो हुआ तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए जीरो तो पूरा रिजल्ट जीरो, जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रायल सोल्यूशन है वो खत्म ही हो जाएगा, सोल्यूशन ही नहीं बचेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका मतलब ए को जीरो आप नहीं ले सकते। तो ई की पावर एक्स प्लस के वाई अगर आपने इसको जीरो लिया तो भी ई की पावर एक्स प्लस के वाई अगर यहां जीरो रखेंगे तो जेड की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी तब भी हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ई की पावर एक्स प्लस के वाई को भी जीरो नहीं ले सकते। तो अब क्या बचा टू एच स्क्वायर माइनस के, तो हम यानी इसको जीरो ले सकते हैं, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हो सकती है क्योंकि एच स्क्वायर और के दोनों जो है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये आ गया, तो इसका मतलब क्या जीरो होगा टू एच स्क्वायर माइनस के, तो यहाँ से एच ओ के में एक रिलेशन आ गया, के बराबर माइनस का के उधर ले जाइए, तो के बराबर टू एच स्क्वायर, हमने इसलिए लिख लिया के बराबर टू एच स्क्वायर माइनस के उधर गया तो प्लस के, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। यहीं से बस आप ये रिलेशन ही फाइंड करना होता है ए स्पेशली एच और के बीच में, ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन के लिए ये हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन, इसके लिए हम लिख सकते हैं हैंस द मोस्ट जनरल सोल्यूशन। मोस्ट जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हम समेशन लगा देंगे, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई है ना, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के की वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्योंकि एच ओ के में तो रिलेशन आ चुका है, के की वैल्यू क्या निकाल ली हमने टू एच स्क्वायर। आप चाहो तो एच की जगह के रख सकते हो या के की जगह एच रख सकते हो, के की वैल्यू एच के फॉर्म में रख सकते हो इस सोल्यूशन में, या एच की वैल्यू के फॉर्म में रख सकते हो, जो ज़्यादा आसान होता है हम उसको कर लेते हैं। के की वैल्यू आसानी से हम रख सकते हैं, ये आपकी ये वैल्यू रखी जा सकती है टू एच स्क्वायर, तो इसको हमने रख दिया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अब रिजल्ट क्या आ जाता है हमारा, ओके तो ये आपका आप तो हमने यहाँ के की वैल्यू रख दी है एच के फॉर्म में, एच को कुछ नहीं किया ई की पावर एच एक्स में एच एक्स ही रहा, प्लस के वाई में जो के है के की वैल्यू टू एच स्क्वायर रख दी वाई। अच्छा देखिएगा मोस्ट जनरल सोल्यूशन का क्या मतलब, मोस्ट जनरल सोल्यूशन का मतलब समेशन लगाया है, एक्चुअली है क्या ए एच ओ के, यहाँ पे तीनों ही का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ए की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो कभी प्लस वन लीजिए कभी प्लस टू लीजिए माइनस वन माइनस टू, ऐसे ही एच और के की भी कई सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू, कोई भी जितनी पॉसिबल वैल्यूज आप ले सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सब ले सकते हैं, तो वो सारी वैल्यूज इन सारी वैल्यूज जितना भी आप हर एक वैल्यू के लिए जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन जो प्रॉब्लम है हमारी इक्वेशन नंबर वन उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से तो हम बहुत सारी वैल्यूज अलग अलग बदल बदल के वैल्यू लेते रहेंगे ए एच और के की, तो हमें अलग अलग सोल्यूशन मिलता जाएगा उस इक्वेशन का। तो हमने क्या किया, इन सारे सोल्यूशंस को कंबाइंड कर लिया, जितने सोल्यूशन पॉसिबल उन सबको लिख लिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, तो उसके लिए हमने समेशन साइन लगा दिया, जितने पॉसिबल सोल्यूशंस हैं ए एच और के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उन्हीं को हमने बोला मोस्ट जनरल सोल्यूशन, इसलिए इसको मोस्ट जनरल सोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि ये सारे सोल्यूशंस को सारी पॉसिबल वैल्यूज को हमने इसमें एज्यूम कर लिया है, ठीक है, और इसलिए समेशन लगा के इसको लिख दिया है। बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, अगर लीनियर फैक्टर नहीं हो पाते हैं, यूजुअली एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कि लीनियर फैक्टर ना हो पाए, आपसे जो पूछा जाएगा वो वही पूछे जाएंगे जो हम लोगों ने जिनके लीनियर फैक्टर हम लोगों ने आसानी से किए हैं, ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन आपको एज अ चूंकि टॉपिक है तो आपको मैंने ये टॉपिक क्लियर बताया कि कैसे आपको इसको करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर, और थोड़ा सा लेक्चर ये बड़ा हो गया आज का, इसी एक टॉपिक की वजह से और बड़ा हो गया, मैंने थोड़ा प्रॉब्लम्स भी इसमें एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा दिए थे इसलिए बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, अब इसके पी आई के केसेज हम देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।